की हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामकुमार चौधरी ने ली विधायक पद की शपथ, गुनाह कबूलने की बात से किया साफ इनकार। गृहमंत्री शिंदे के हिंदू आतंकवाद पर बयान के खिलाफ पूरे देश में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राजनाथ सिंह ने कहा शिंदे की बर्खास्तगी तक आंदोलन रहेगा जारी। हिमाचल के सोलन में धूमल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन, तो चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज। आयकर सर्वे के बाद बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी गंवा चुके नितिन गडकरी अब आर पार के मूड में, विभाग को दी चेतावनी। धर्मशाला का बस अड्डा बना परेशानी का सबब, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, लोगों में भारी रोष। ऊना में शिक्षकों के गले की फांस बनी मिड डे मील योजना, ₹3.11 में कैसे दें बच्चों को भोजन, शिक्षकों को करनी पड़ रही है जेब ढीली। विश्व के सबसे पुराने गणतंत्र कहे जाने वाले गांव मलाना में बर्फबारी के बाद अभी तक नहीं सुधरे हालात, बिजली पानी और यातायात नहीं हो सका है बहाल। और दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन फोर्ब्स के कवर पेज पर छपेंगे शाहरुख खान, भारत के पहले एक्टर जिन्हें कवर पेज पर मिलेगी जगह। जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं गुरप्रीत सिंह। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की। बीजेपी और सरकार में गृहमंत्री शिंदे के बयान को लेकर ठन गई है। हिंदू आतंकवाद पर गृहमंत्री शिंदे के बयान के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, तो सरकार भी शिंदे के साथ खड़ी नजर आ रही है। देशभर में बीजेपी ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने गृहमंत्री शिंदे को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सवाल पूछा है कि शिंदे के बयान पर सोनिया गांधी चुप क्यों है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सरकार गृहमंत्री शिंदे को बर्खास्त नहीं करती तो ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। बीजेपी ने मांग की है कि पहले आतंकियों को सम्मान देने वाले जवाब दें। बीजेपी के मुताबिक गृहमंत्री शिंदे के बयान से देश गुस्से में है, गुस्से के इजहार के लिए देश भर में प्रदर्शन किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण सामी का कहना है कि शिंदे का बयान तथ्यों पर आधारित है। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर, एक दिल्ली की है दूसरी गुवाहाटी की, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गृहमंत्री शिंदे के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुआ, तो वहीं गुवाहाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। भारत की छवि को उनका वापसी के प्रतिनिधियों ने धूमिल किया है। आज मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। सोनिया जी, हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं, आपका कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आना चाहिए। आपके प्रवक्ता जी जनार्दन जी क्या बोले, और मैं जानता हूं कि मनमोहन सिंह जी इस बड़े अपराध के लिए भारत सरकार के गृहमंत्री को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं जब तक कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी नहीं बोलेंगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी से, भारत सरकार के गृहमंत्री शिंदे ने जो कुछ कहा है उस पर आपका नजरिया क्या है, आपके क्या विचार हैं, यह देश जानना चाहता है। और यदि आप मनमोहन सिंह जी को यह निर्देश नहीं देती हैं कि शिंदे बर्खास्त होने चाहिए, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों में हम लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे कि निश्चित रूप से सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को शिंदे को बर्खास्त करना ही करना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत में रोक नहीं पाई। The Home Minister said that we should not allow any kind of terrorism in any form. That is what he said. I don't see any kind of objection to the statement that has been given by the Home Minister. We are also the protectionist party of the Hinduism and also the Islam. Therefore, the BJP's the agitation is unwarranted, the unnecessary.
and the BJP, they don't have any issue against our government, against our party. Therefore, they are making a non-issue as an issue. उधर बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि गृहमंत्री के बयान से देश की अस्मिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दलित विरोधी मानसिकता के कारण बीजेपी गृहमंत्री पर आरोप लगा रही है। शिंदे जी, राजनीति करिए, वहां तक करेंगे जहां तक आपकी पार्टी का हित सत्ता हो, हमें आपत्ति नहीं। वहां तक करेंगे जहां तक हमारी पार्टी का अहित होता हो, तो भी आपत्ति नहीं। लेकिन वहां तक राजनीति मत ले जाइए जहां राष्ट्र का हित का नुकसान होता हो। आपको नहीं मालूम है कि आपने बयान देकर राष्ट्र हित का कितना बड़ा नुकसान किया है। जिस समय पर पाकिस्तानी सेना के लोग एलओसी क्रॉस करकर आकर हमारे सेना के जवानों का सर काट कर ले जा रहे हैं, उस समय जो प्रहार आपको पाकिस्तान पर करना चाहिए था, उसे छोड़कर आप प्रहार अपने प्रमुख स्वच्छेद पर कर रहे हैं। आप प्रहार देश की सबसे बड़ी देशभक्त संस्था पर कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी संघ और हिंदू महासभा के बारे में जो बात कही थी, वही बात चिदंबरम साहब ने कही और वही बात शिंदे जी ने कही। लेकिन शिंदे जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहती है? क्या इसलिए बनाना चाहती है कि उन्हें एक दलित गृह मंत्री अच्छा नहीं लग रहा है? प्रश्न इस बात का है। हमारी लड़ाई विचारधारा से है।